दोस्तों, आप अगर मछली ब्रीडिंग कराते हैं या फिर हैचरी चलाते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होता होगा कि आप जब जार से स्पॉन को टैंक में उतारते हैं तो इस टैंक में इस तरह का कचरा आपको देखने को मिल जाता है और इसको क्लीन करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब हम बच्चे को उतारते हैं तो उसके साथ ये कचरा में बच्चा भी रहता है और जब बच्चा उतारते हैं तो बच्चा का जो सही समय है वो बिल्कुल पूरा नहीं होता है तैरने के लिए। उसका पंख छोटा रहता है, पूंछ छोटा छोटा रहता है, जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पाती है। आप अक्सर ही देखते होंगे टैंक की साइड में ये बच्चा चिपकी हुई रहती है या फिर टैंक की तली में बैठी हुई रहती है, तो ऐसी हाल में इसको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस कचरे में भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैठी रहती है। तो इस हाल में अगर हम टैंक को क्लीन नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये जो कचरा है ये और सड़ने लगता है, गलने लगता है, फिर धीरे धीरे इससे एमोनिया बनता है, पानी का रंग जो है वो थोड़ा घोल टाइप का बनने लगता है, ऊपर की तरफ छाली जैसा बनने लगता है और बुलबुला निकलने लगता है और ऑक्सीजन का कमी के वजह से स्पॉन टैंक में ही मर जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्यों होता है और कौन मछली का अंडा के साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, ये जो चीज़ होता है ना, ये असल में मछली का अंडे का ही शेल होता है और यह IMC जैसा मछली के साथ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। ज़्यादातर मामलों में गोल्डन, कॉमन कार्प, आमूर कार्प, इस तरह का मछली को ब्रीडिंग कराने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम होता है और ये होने का मेन कारण है कि गोल्डन, आमूर, इस तरह का मछली का जो अंडा है वो अंडा काफ़ी मोटा होता है, सख्त होता है। इसके अलावा भी इसमें ग्लू रहता है जिसके वजह से ये अंडा जो है एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है और इसको निकाल पाना या क्लीन कर पाना काफ़ी ज़्यादा किसान के लिए मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि वो जानते नहीं है। और वो क्या करते हैं, ये अंडे को चक्का चक्का जो अंडा निकलता है उस अंडे को ही जार में डाल देते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में चक्का अगर रहता है तो ये चक्का जो है फिर अंडा जो है हैच हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, वो जरने के बाद बच्चा निकल जाता है। लेकिन ये शेल ज़्यादा चक्का होने की वजह से ना ही गल पाता है ना ही ये निकल पाता है जार से, तो ये धीरे धीरे उसी में सफ़ेद रंग में बनने लगता है, उसमें सड़ने लगता है और इस तरह का प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर आप अंडे को अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर लें, फिर अंडे को छोटे छोटे हिस्सों में कर लें, यानी अलग अलग कर लें, तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। फिर कई बार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान सा है, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको जार में एक नेट का इस्तेमाल करना है। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जार में काफ़ी सारा अंडा है और इसमें शेल आपको दिख रहा होगा जो एग्स का शेल है, तो इसके लिए हम एक नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें, जब बच्चा हो जाता है, पूरा हैच हो जाता है, इसके बाद हम धीरे धीरे इस नेट को इसे लगा सकते हैं। ऐसे लगाने से पतला वाला नेट लगाना होगा, ज़्यादा घना नेट देने से बच्चा भी इसमें फंस जाएगा। इस नेट को आप आराम से इस तरह से लगा के रख दें, 1 से 2 मिनट रख देंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो शेल है या कचरा है वो इस नेट में धीरे धीरे फंस रहा है। और जितना संभव हो पतला वाला नेट का इस्तेमाल करें, बड़ा फांस, बड़ा छेद वाला नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बच्चा कम फंसे। तो इसमें बच्चा भी थोड़ा बहुत फंस जाता है, तो आप चाहें तो गमले में भी इसको क्लीन कर सकते हैं और बच्चा कम फंसता है तो आप बाहर धो सकते हैं। इस तरह से 1 से 2 मिनट रखेंगे तो इसमें फंसेगा जो कचरा है वो फंसने लगेगा और धीरे धीरे इस तरह से आप इसको निकालो, फिर आप इसको झाड़ दो बाहर, क्लीन कर लो, फिर इसको फिर वापस डालो। इस तरह से आप 8 से 10 बार करोगे तो आप पाओगे कि ये जो जार है बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा, इसमें कोई किसी तरह का कचरा नहीं होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और इसके बाद आप बच्चे को उतार सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे शेल को हम निकाल लिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें कई बार थोड़ा बहुत बच्चा भी आ जाता है, तो आप इस चीज़ को गमले में लेकर कर सकते हैं, फिर आप चाहे तो बच्चे को भी क्लीन करके निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से कई बार करने से ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ही सॉल्व हो जाता है। इसके बाद ही आपको लगेगा जब क्लीन हो चुका है, जार एकदम साफ़ हो चुका है, कचरा नहीं है, तब बच्चा को उतारे टैंक में ले जाए तो आप पाएंगे कि टैंक में बच्चा जो है साफ़ रहेगा, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और साफ़ सुथरा बच्चा को आप जार से ही निकाल पाओगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका था, ये तरीका बहुत सारे लोग जानते नहीं थे जो मैंने आपको बता दिया। और इस तरह का टिप्स ट्रिक्स अगर आप फिश फार्मिंग के बारे में जानना और चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।